मेरे प्रिय मित्रों, आज मातृ दिवस है। वैसे तो मां के लिए कोई दिन नहीं होता, मां के लिए हर दिन है, किंतु आज किसी ने आज मां के लिए विशेष दिन व्यवस्थित किया है। तो मैं विश्व की सभी माताओं को नमन करता हूं और मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विलंब में हूं, किंतु जैसा कि मैंने कहा कि माँ के लिए कोई समय नहीं, कोई दिन नहीं है, माँ के लिए हर दिन है, हर समय है। तो माँ के लिए कुछ पंक्तियां मैंने अपने लेखनी से, शब्दों के माध्यम से पिरोया है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। इस कविता में मैंने माँ के उन गुणों को पिरोया है जिसमें कहा गया है कि माँ प्रसव पीड़ा, जो कि लगभग 20 हड्डियों के टूटने जितना दर्द होता है, उसको सहती है। मां जो ईश्वर से भी लड़ जाती है, जब भगवान शंकर ने गणेश जी का गला काटा तो मां पार्वती चंडिका का रूप धारण करके स्वयं ईश्वर से लड़ गई। तो मां से बढ़ के दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो उन्हीं के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं, आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। माँ तेरी ममता का कोई मोल नहीं रे, माँ तेरी ममता का कोई मोल नहीं रे, लगता ही नहीं तू खुद के लिए भी जीती है, लगता ही नहीं तू खुद के लिए भी जीती है, मेरे रोने से रोती है और हंसने से हंस देती है, मेरे रोने से रोती है और हंसने से हंस देती है। माँ माँ जो कभी थकती ही नहीं, हरदम कुछ ना कुछ करती है। माँ 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 दुनिया में इससे अच्छा कोई बोल नहीं रहे, माँ तेरी ममता का कोई मोल नहीं रहे। माँ जो ईश्वर से भी लड़ने का दम रखती है, माँ जो ईश्वर से भी लड़ने का दम रखती है, नौ माह गर्भ का भार लिए सब कुछ करती है। माँ माँ जो 20 अस्थि टूटे जितनी पीड़ा सहती है, माँ तेरे दूध के जैसा अमृत का कोई घोल नहीं रे, माँ तेरी ममता का कोई मोल नहीं रे। माँ माँ जिसकी रसोई का खाना कभी कम न हुआ, माँ जिसकी आंचल की छाया में कोई गम न हुआ, माँ की लोरी से अच्छा न अभी तक कोई छंद हुआ, माँ तेरे संघर्षों का कोई तोल नहीं रे, माँ तेरे संघर्षों का कोई तोल नहीं रे, माँ तेरी ममता का कोई मोल नहीं रे, माँ तेरी ममता का कोई मोल नहीं रे। मित्रों, आपकी माताएं, आपकी माँ आपके साथ हैं, हमारी माँ दुर्भाग्यवश मेरे साथ नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव बना रहे। आपने इस कविता को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।